तो जितना भी ये प्राइवेट में ले जा रहे हैं सारा देश का नाश हो रहा है। और मैं कहता हूँ अगर हमारी सारी व्यवस्था प्राइवेट में जानी है तो ये सरकार भी प्राइवेट में दे दो, संसद भी प्राइवेट में दे दो, राष्ट्रपति भी प्राइवेट का बना लो, फिर इनकी क्या जरूरत है जो 250 सांसद बनाने का नहीं, जीतने का। सरकार में संसद सरकार भी प्राइवेट में चली जाए। अच्छा हाँ, सब प्राइवेट में दे दो। फिर ये अपने पप्पा से उनसे कह, हमसे क्यों कह रहा, अपने पप्पा से कह कि अरे संसद भी प्राइवेट में करके जाएंगे 26 जनवरी को आ रहे इसके पप्पा और मिल जाइए कहीं, मेरी माँ ने दूध पिया है रजत शर्मा और वो अर्णव गोस्वामी, अगर ये दो पत्रकार इनकी माँ ने दूध पिलाया तो किसानों के बीच में आके एक सवाल करके देंगे, भाई थूतड़ी भी ऐसी करेंगे और पिछवाड़ा भी ऐसा करेंगे, घरवाली पिछाड़ नहीं सकती। और इतने बड़े बड़े चैनल है वो अडानी अंबानी खरीद चुका है तो वो क्यों बोलेंगे छोटे बोलने। अच्छा पहले दिक्कत होती थी, आपने देखा होगा ना, देखिए प्राइवेट क्या होता है, पहले एक चैनल था, प्राइवेट चैनल आए उस सरकारी चैनल, पहले प्राइवेट स्कूल में हम पढ़े, पहले ISBCS नहीं बनते थे, हैं? बनते जब से प्राइवेट स्कूल आए सरकारी स्कूल है कौन? अच्छा इसी तरह पहले रोडवेज बस चलती थी, अब प्राइवेट आ गई तो रोडवेज की, पहले सरकारी एयरपोर्ट थे प्लेन थे, जब से प्राइवेट प्लेन आए सरकारी प्लेन है कौन? अब जैसे अभी इन्होंने रेल प्राइवेटाइजेशन कर दी 250 और सरकारी रेलों का भी यही हाल होगा, बताओ देख देना आप रेल गई तो अभी ना क्या, अभी आएंगी बड़ी सारी, अभी आएंगी वे रेल, अभी अडानी अंबानी की जो 250 ट्रेन आ रही है उनके लिए पीक आवर का टाइम दिया जा रहा है, जैसे ही वो हो जाएगा फिर ट्रेन भी आ जाएगी। देखिए कानून बनते हैं संसद में तो संसद में वापस होते हैं, तो सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट की भाग तक भाग रही है तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट ही चला ले, फिर इनकी क्या जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ही सरकार चला ले, फिर इन नेताओं की जरूरत नहीं है जो ये हमारे पैसे पे हम उठो कर रहे हैं, वहाँ रासलीला मनाते हैं ये लोग लुटियन जोन में, कितने सरकार में बैठे ये सारे आसाराम और राम रहीम के चेले हैं, तो इनसे कैसे तुम अच्छे बात कर सकते हो? तो वो तो जेल में पड़े हैं आसाराम तो जेल में पड़े हैं। देखिए जिनका गुरु जेल में, जिनका गुरु हराम हो तो चेले कैसे होंगे? आजकल तो मोदी का बेवकूफ। दूसरी चीज, अगर तुम्हें यकीन ना आता हो तो आसाराम जी की सूरत और हमारे झासाराम जी की सूरत मिला लेना, दोनों एक से हैं। और बहुत जल्दी बंगाल में ड्रामा होने वाला है, लोगों ने तड़ी मार भी बार बार बंगाल जा रहा है, किसानों के बीच में भोजन कर रहे हैं और उस किसान का नाम तक इन्हें पता नहीं है, अगर असली किसान का भोजन करना तो आज संगति ने ये जानी है नीचे। और ये जो किसान यहाँ पड़े हैं 62 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा कि इनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा कि इनके जो है सारे कानून सरकार छीन रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में क्यों लेके जा रहे हैं, कृषि का कानून बनाने का राज्य सरकारों का है, ये अपने कानून खत्म करें और राज्य सरकार बनाए।